हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं एग्जाम नगर स्टडी चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास के भाग 9 में, और भाग 9 में है अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली का शासक था, और इधर जालौर का शासक था, और राजस्थान की एक रियासत थी उसका शासक था कान्हड़देव। कान्हड़देव के पुत्र का नाम था दोस्तों वीरमदेव, और वीरमदेव किससे प्रेम करता था? अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा से। एक दिन कान्हड़देव ने इन दोनों की शादी से मना कर दिया, वीरमदेव और फिरोजा की शादी से मना कर दिया, तो जो फिरोजा थी उसने यमुना नदी में कूद कर जान दे दी। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के जालौर राज्य के विरुद्ध एक सैनिक अभियान भेजा, और सैनिक अभियान उसने जो फिरोजा की दासी थी गुलभीस्त उसके नेतृत्व में भेजा। इस युद्ध में वीरमदेव मारा गया, कान्हड़देव मारा गया, और अलाउद्दीन खिलजी का कहाँ पे शासन हो गया? जालौर पर, और उसने जालौर का नाम जलालापुर रख दिया। क्या दोस्तों? जलालापुर। अब बात करते हैं आगे कि उसको क्या फ़ायदा हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया तो उसको गुजरात, जो गुजरात जाने के लिए मतलब जालौर से होकर गुजरना पड़ता था, तो उसके लिए बहुत आसान हो गया, यानी गुजरात अभियान के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? तो दोस्तों पन्ना धाई, जिसने अपने पुत्र चंदन की जान देके किसकी जान बचाई थी? उदय सिंह की, जो बाद में मेवाड़ का शासक बना था। यानी पन्ना धाई को एक बलिदान, यानी इतिहास में एक बलिदान देने वाली एक वीर नारी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यह था कुंभलगढ़, कहाँ था? कुंभलगढ़, यानी कि जो पन्ना धाई थी उसको कुंभलगढ़ में आश्रय प्राप्त हो सका। दोस्तों कुंभलगढ़ एक दुर्ग है जिसका निर्माण राणा कुंभा, यानी महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो यह बहुत प्रसिद्ध दुर्ग है जो एक फाड़ी पर स्थित है। इसकी एक दीवार है, वो है 36 किलोमीटर लंबी। कितनी किलोमीटर लंबी है? 36 किलोमीटर लंबी, जिसके ऊपर 7 घोड़े एक साथ चल सकते हैं, इतनी चौड़ी दीवार है इस दुर्ग की। अब इसकी व्याख्या की बात करते हैं दोस्तों। पन्ना का जन्म माता जी की पिंडोली गाँव चित्तौड़गढ़, यानी चित्तौड़गढ़ जिला है राजस्थान का, उसके अंदर एक पिंडोली गांव है, उसमें पन्ना धाई थी उसका जन्म हुआ था। पन्ना उदय सिंह की धाई माँ थी। दोस्तों धाई माँ का मतलब होता है सौतेली माँ। क्या? सौतेली माँ। ये धाई माँ थी। जब दासी पुत्र, यानी कि एक दासी का पुत्र था कौन? बनवीर। उदय सिंह को मारने आए तो पन्ना ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बचाया, यानी बनवीर से किसको बचाया? उदय सिंह को। किसने? पन्ना धाई ने, अपने पुत्र चंदन का बलिदान देके। दोस्तों एक साहसी कार्य भी है। क्या है? साहसी की, यानी कि अगर एक माँ के सामने एक पुत्र की कोई जान ले तो मतलब बहुत बुरा होता है, लेकिन उस टाइम पे मतलब जो पन्ना थी वो एक साहस और बलिदान देने वाली एक वीरांगना थी। इसलिए पन्ना धाई को राजस्थान के इतिहास में एक वीरांगना के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इसका जो उर्स है, जो मेला है, वो भी पन्ना धाई की याद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बढ़ता है। अब बात करते हैं आगे, पन्ना ने उदय सिंह को कुंभल की किलेदार आशा देवपुरा के पास भेज दिया। किसने? पन्ना ने उदय सिंह को कहाँ भेजा? कुंभलगढ़ के किलेदार थे आशा देवपुरा, यानी कि कुंभलगढ़ के किले की रक्षा करने वाले, उनके पास भेज दिया। वहीं उनका लालन पालन हुआ, और अंत में जाके उदय सिंह क्या बने? शासक बने। उदय सिंह का पुत्र फिर शासक कौन बना? महाराणा प्रताप। कौन बना दोस्तों? महाराणा प्रताप, जो एक प्रतापी शासक हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म भी किस दुर्ग में हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। दोस्तों बात करते हैं आगे, अजमेर के किस शासक को चौहान शिलालेख में मतंगा कहा गया है? जो चौहान शिलालेख है दोस्तों, ये चौहान शिलालेख अजमेर में है, राजस्थान के अजमेर में, जयपुर से 60 किलोमीटर दूर एक अजमेर जिला है, उसमें तारागढ़ दुर्ग है। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था अजय राज ने। किसने? अजय राज ने। और दोस्तों इसी तारागढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण पृथ्वीराज सिसोदिया द्वितीय की पत्नी तारा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, इसलिए इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा? तारागढ़ दुर्ग। दोस्तों पहले इस दुर्ग का नाम था गढ़ वीटली दुर्ग। क्या था? गढ़ वीटली दुर्ग, लेकिन बाद में इसका दुर्ग का क्या नाम पड़ा? तारागढ़ दुर्ग। अब बात करते हैं आगे, विग्रहराज द्वितीय, अजमेर के किसानों को चौहान शिलालेख में मतंगा कहा गया है? विग्रहराज द्वितीय। व्याख्या, विग्रहराज द्वितीय प्रारंभिक चौहान शासकों में सबसे प्रतापी शासक था। कौन था? विग्रहराज द्वितीय, जो चौहान साम्राज्य था अजमेर के। चौहान दोस्तों पृथ्वीराज,
पृथ्वीराज का आपने नाम सुना होगा, जिसने मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध किया था, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज की जीत हुई, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई। उसी टाइम पे भारत में मतलब मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। इसके समय अंकित हर्षनाथ अभिलेख, दोस्तों हर्षनाथ अभिलेख राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। यह जयपुर से 60 किलोमीटर दूर एक सीकर जिला है। उस सीकर जिले में हर्षनाथ अभिलेख है, जो 973 ईस्वी पूर्व है। उनके शासनकाल की विस्तृत जानकारी मिलती है। किनके शासनकाल की? वीर राज तुर्क के शासनकाल की हर्षनाथ अभिलेख में विस्तृत जानकारी मिलती है। विक्रमराज द्वितीय ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित करके कंथा दुर्ग में शरण लेने को विवश किया। विक्रमराज द्वितीय था, उसने गुजरात के एक चालुक्य शासक था, कौन था? मूलराज प्रथम, उसको पराजित करके कंथा दुर्ग में शरण लेने को विवश किया। किसको? इस कंथा दुर्ग को, यानी इस युद्ध में हरा दिया था। विक्रमराज द्वितीय ने बरग कच्छ यानी भड़ोच में अपनी कुलदेवी आशा देवपुरी आशा देवी का मंदिर बनाया। दोस्तों भड़ोच है गुजरात में, कहाँ है? गुजरात में। उसने आशापुरा देवी माँ का मंदिर कहाँ बनवाया? गुजरात के भड़ोच में, जो इसकी कुल देवी थी। इसकी विरराज द्वितीय की। विरराज द्वितीय ने हर्षनाथ मंदिर को छत्रचरवा संस्कर नामक गांव में दान दिए, यानी हर्षनाथ मंदिर। हर्षनाथ मंदिर है सीकर में, जो एक चौहान साम्राज्य से संबंधित ये मंदिर है, वो चौहान की समकालीन मंदिर है। दोस्तों यहाँ एक भैरव का मंदिर है। किसका? भैरव का मंदिर, शिव का मंदिर है। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और वीरराजदित्य ने इस मंदिर को छत्रचरवा शंकर गांव नामक गांव का दिए, इसको दान में दिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के बारे में। दोस्तों राणा रतन सिंह की एक पत्नी थी पद्मिनी, बहुत अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो युद्ध हुआ, उसका कारण था अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। कुछ राजस्थान के इतिहासकार बताते थे कि उसका मेन कारण था पद्मिनी। दोस्तों इसको हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दोस्तों बात उस समय की है जब राणा रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन नाम का एक तांत्रिक रहता था। एक दिन उसने पद्मिनी को देख लिया, तो पद्मिनी ने जाकर राणा रतन सिंह को बताया। तो राणा रतन सिंह ने बेइज्जती करके और जो राघव चेतन है उसको दरबार से निकाल दिया। अब राघव चेतन कहाँ गया, किसके पास गया? अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली चला गया। उसने बताया कि दिल्ली जाकर अलाउद्दीन खिलजी को बताया कि उसके पास ऐसी पत्नी है, मतलब बहुत सुंदरता के लिए जानी जाती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब अपनी एक बड़ी सेना तैयार करके और मेवाड़ अभियान के लिए निकल गए। उसने मेवाड़ के जो चित्तौड़ दुर्ग के हैं, मेवाड़ में उसके चारों तरफ कई दिनों तक डेरा डाले रखा, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं कर सका। अंत में उसने कहा रतन सिंह को कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं आपकी पत्नी को देखना चाहता हूँ। तो जो रतन सिंह थे उसने मतलब उसकी पत्नी को एकदम सामने नहीं दिखाया, मतलब एक पानी की परछाई में उसकी पत्नी को दिखाया। तो जैसे ही देखने के बाद में, जैसे ही रतन सिंह ने दरबार के पास जैसे अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ने गए, तो अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब उनको जो रतन सिंह है उसको बंदी बना लिया और दिल्ली ले गए। दोस्तों दिल्ली ले जाने के बाद में रतन सिंह, जो अलाउद्दीन खिलजी है, उसने रतन सिंह के सामने शर्त लिखी कि मैं रतन सिंह को तभी छोड़ूंगा जब पद्मिनी आ जाएगी, पद्मिनी को ले आओ और रतन सिंह को ले जाओ दिल्ली से। दोस्तों उस समय हजारों पुरुषों ने स्त्रियों का वेश बदला और साथ में पद्मिनी को लेकर दिल्ली पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने युद्ध किया और रतन सिंह को छुड़वाकर वापस चित्तौड़ लेके आ गए। कहाँ लेके आ गए? चित्तौड़ लेकर। दोस्तों उसके बाद में दूसरा युद्ध हुआ सन 1303 में। कब हुआ ये युद्ध? सन 1303 में। तेरह सौ तीन में यह युद्ध हुआ, यानी 26 अगस्त 1303। कब है दोस्तों? 26 अगस्त 1303 को युद्ध हुआ। किन किन के मध्य? जो अलाउद्दीन खिलजी था और किसके मध्य? राणा रतन सिंह के मध्य।
दोस्तों इसमें राणा रतन सिंह को धोखे से मार दिया गया, और जो पद्मिनी है उसने 1600 स्त्रियों के साथ क्या किया, जौहर किया। क्या किया? जौहर। दोस्तों जौहर का मतलब है, एक तो होता है जौहर, एक होता है साका। दोस्तों जौहर का मतलब होता है आग जला के, और उस आग में अपने शरीर की आहुति देना। इसीलिए पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ अपने शरीर की आहुति दी। 1600 स्त्रियों ने जो राजस्थान का नहीं, भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा जौहर, सबसे बड़ा बलिदान माना जाता है अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी इज्जत के लिए। दोस्तों इसीलिए रानी पद्मिनी को इतिहास के रूप में, एक वीरांगना के रूप में जाना जाता है। और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इसका मुख्य जो युद्ध करने का मुख्य कारण था वो इसके साम्राज्य की कूटनीति के, यानी अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक विद्वान था, उसका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का ग्रंथ है खेजाइन उल फताइन। अमीर खुसरो ने इस युद्ध का आंखों का वर्णन किया है। अमीर खुसरो ने बताया कि इसमें पद्मिनी का कोई रोल नहीं है, जो अलाउद्दीन खिलजी उसने अपने साम्राज्य के लिए यह सब किया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन दबा के दोस्तों कमेंट भी आप मुझे कर सकते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया नहीं आया। कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप मुझे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।